Morning, students. Good morning, बच्चों. Good morning. Morning, morning, morning. गौरव भारद्वाज, हाँ आज लास्ट क्लास है. यस, आज लास्ट क्लास है और नेक्स्ट टर्म्स है, मतलब आपको शेड्यूल तो मिल ही गया होगा ना, ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी आपकी. अब लास्ट क्लास है तो सिलेबस तो पूरा होता ही है ना यार. जहां से भी स्टार्ट है, ये मॉड्यूल नंबर 2 का टॉपिक है. ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मॉड्यूल 2 का लास्ट चैप्टर है, यानी 11th का चैप्टर है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है. क्वेश्चंस अगर हम देखें, नीट में अगर क्वेश्चंस देखें तो बहुत ही कम से क्वेश्चंस बनते हैं. तो इसको सिर्फ एक बार पढ़ने जैसा, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक बार इसको रीडिंग कर लो, एक बार पढ़ लो. हाँ, अपने मन में ऐसा हो जाए आठ बजे हमने पढ़ रखा है. ठीक है ना. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होगा, जब भी टेस्ट होगा नेक्स्ट, उसका सिलेबस जो हमने पहले दिया था D&F ब्लॉक, मेटलर्जी बचा हुआ था. तो D&F ब्लॉक, मेटलर्जी एंड हाइड्रोजन, ये हमारे टेस्ट का सिलेबस रहेगा. नेक्स्ट टेस्ट में क्या क्या आएगा? D&F ब्लॉक, मेटलर्जी एंड हाइड्रोजन. ठीक है ना, एंड हाइड्रोजन जो आज पढ़ेंगे, बस ज्यादा नहीं है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन को. देखो जरा, थैंक यू बेटा. नोट्स प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं करना है. काफी कुछ चीजें तो ऐसी जो पहले भी पढ़ चुके थे, आ जाती है पहले कहीं ना कहीं. ठीक है ना, इसको नोट्स नहीं करना, खाली हैंड आउट जो आपको मिलते हैं ना यहाँ से, उसको संभाल के रखना. कभी देखना हो तो उसको देख लें, और एक बार ढंग से पढ़ लो ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही क्या है. चलिए देखो जरा, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की. तो जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम. आप कुछ जानते हैं इसमें जो मैक्सिमम मिलता है हमको, अबंडेंस जो है, मैक्सिमम अबंडेंस या जो ज्यादातर देखने को मिलता है वो प्रोटियम है, और जो सबसे कम देखने को मिलता है वो ट्राइटियम. ठीक, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी है. हाइड्रोजन को बनाने के मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किस तरह से बनाया जाता है. तो हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है? एसिड के साथ रिएक्ट करा के किसी मेटल की. हम पहले भी बात कर चुके हैं इसका, कि जब कोई मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है, उस मेटल की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट एसिड से कराते हैं, तो ये मेटल क्या करता है, डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और उस मेटल का सॉल्ट बन जाता है. ये हम पहले भी कर चुके हैं. अरे पहले भी बता चुका था ना मैं कि ये मेटल, जैसे कोई एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने लिया जिंक की रिएक्शन करा दी मैंने किसी डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोर से. तो ये जिंक क्या करेगा, इस एच को यहाँ से हटाएगा, तो एच टू तो बाहर निकला और खुद बन जाएगा ZnSO4. ठीक है ना, ये पहले बता चुका था मैं. तो इस तरह से हम जो है वो बना सकते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करके बना सकते हैं, तो हाइड्रोजन हमको मिलता है. इसके अलावा मेटल की रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं तो भी हाइड्रोजन बनता है.
मेटल की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो भी हाइड्रोजन बनता है। लेकिन अब एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर है कि वाटर के साथ जब आप रिएक्ट करा रहे होंगे मेटल को, तो ध्यान रखना कि मेटल किस टाइप का लिया गया है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट होगा। जैसे अगर आपने बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स लिया है तो हाईली रिएक्टिव मेटल कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे अपने मेटल लिए हैं जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है तो फिर आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए फिर वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे। और अगर आपने ऐसे मेटल लिए हैं जिनकी रिएक्टिविटी और भी कम है तो फिर जब आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर का मतलब हो गया कि स्टीम के साथ वो रिएक्ट कर पाएंगे। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट है सेकेंड है के मेटल्स हैं, लेकिन लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ दें तो ये सब कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। तो फिर लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टिविटी जैसे जैसे कम होती जाएगी, आपको वाटर से रिएक्ट कराना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी बनेगी। इसके अलावा कुछ और भी मेथड है इसको बनाने के, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एसिडिफाइड वाटर है, H प्लस आयन मिला, आसानी से आयनाइज हो रहा है, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं वाटर जो है आयनाइज होकर क्या क्या बनाएगा, H प्लस OH माइनस, फिर ये H प्लस जो है वो डिस्चार्ज होकर के क्या बना देगा, H2। तो सिंपल सी बात है, H2 को मिल रहा है तो इसमें कोई बात नहीं है, तो हमको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। तो वॉट आपको ये प्रोसेस, ये रिएक्शंस नहीं याद रखनी है, आप केवल इतना सा भी याद रख लें कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन बनता है। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या बनता है, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन गैस बनती है। उसके बाद आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन वाटर से करा के भी हम क्या ऑब्टेन करते हैं, हाइड्रोजन। तो ये एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, कोई भी हमने हाइड्रोकार्बन लिया है, रिएक्शन वाटर के साथ है तो क्या बनेगा, एक तो CO या CO2 जो बनता है उसके साथ साथ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए N+N ये लिखा हुआ है, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको बैलेंस करके तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो इतना याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन वाटर से कराने पर हाइड्रोजन गैस बनती है, क्योंकि हम हाइड्रोजन को बनाने के मेथड्स पढ़ रहे हैं। एक वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, कार्बन फैमिली में, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका था, कार्बन फैमिली, और ये एक बार टेस्ट में भी मैंने दिया था, ठीक है ना। हाँ, CO2 बनेगा, वो हमको मैंने कहा ना, आपको दूसरा कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन को बनाने का मेथड, तो इतना याद रखें कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। वाटर गैस होता है CO+H2। हाँ, CO+H2 बनेगा यहाँ पर, वाटर गैस ही बनती है। स्लाइड इज सेकंड, कौन सी स्लाइड है, बन रहे हाइड्रोजन को बनाने का मेथड पढ़ रहे, ये है 5th नंबर की स्लाइड। कोई खास चीज नहीं है, हम वही पढ़ रहे हैं जो पहले भी पढ़ चुके थे, हम वही पढ़ रहे हैं जो पहले भी पढ़ चुके थे। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन पहले भी पढ़ी आपने, इसमें ये वाला है, मैंने कहा था मेटल की रिएक्शन डायरेक्ट प्रेशर से कराते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, ये पहले भी पढ़ा है, तो इससे हमने कोई खास बात नहीं पढ़ी अभी तक। नेक्स्ट देखो जरा, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ये तो था हाइड्रोजन को बनाने के मेथड, अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स, जैसे कि वाटर है, हाइड्राइड है, ये सब जो है, ये जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोजन के। देखो जरा, पहला है हाइड्राइड, यानी कि हाइड्रोजन के कंपाउंड हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड्स क्या है, बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड का मतलब दो एलिमेंट से मिलकर जो बनता है वो बाइनरी कंपाउंड हाइड्राइड्स। अब ये हाइड्राइड्स 3 टाइप के होते हैं, हाइड्राइड्स के टाइप 3 होते हैं, एक होता है आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड 3 टाइप्स होते हैं, दूसरा होता है कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, थर्ड होता है मेटेलिक हाइड्राइड, और इसी मेटेलिक हाइड्राइड्स को आप बोल देते हैं इंटरस्टीशियल हाइड्राइड। 3 टाइप के हाइड्राइड्स होते हैं, आयोनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड एंड मेटेलिक और इंटरस्टीशियल हाइड्राइड, ठीक है ना। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या क्या है, कैसे ऐसे बनते हैं, कौन कौन इनको बनाता है, क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं। पहला देखो जरा आयोनिक हाइड्राइड्स, आयोनिक हाइड्राइड कोई सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है, इन्हीं को सलाइन हाइड्राइड भी कहा जाता है,
कौन बनाता है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स के हाइड्राइड हैं, जैसे कि कोई एग्जांपल बताएं मुझे एस ब्लॉक का हाइड्राइड, जैसे कि NaH फॉर एग्जांपल हो गया NaH, तो सोडियम हाइड्राइड क्या हो गया, एक आयोनिक हाइड्राइड हो गया LiH CaH2, वेरी गुड। MgH2 नहीं है, यस, बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड आयोनिक हाइड्राइड नहीं होते हैं, एस ब्लॉक में बता चुका था, एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम, बेरिलियम हाइड्राइड BeH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, BeH2 एंड MgH2 आर कोवेलेंट एंड पॉलीमेरिक हाइड्राइड, ये बात मैं आपको एस ब्लॉक में बता चुका था। तो बस आप सिंपल सा इतना ध्यान रखें कि आयनिक हाइड्राइड कौन बनाएगा एस ब्लॉक के एलिमेंट, लेकिन बेरियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड आयनिक नहीं होंगे, बाकी सब कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल NaH, क्या मुझे आप CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड का कोई कॉमन नेम बता सकते हैं क्या, किसी को याद हो, एस ब्लॉक में पढ़ लिया था, यस साक्षी जी, हाइड्रोलिथ कहा जाता है, सब सबको याद है, कार्बाइड कहां से आ गया, कुछ भी, कार्बन है ही नहीं और कार्बाइड बोल दिया, ये हाइड्रोलिथ है, क्या ये हाइड्रोलिथ कहा जाता है इसको, CH2, सबको याद। चलिए उसके बाद दूसरा है इंटरस्टीशियल हाइड्राइड या मेटालिक हाइड्राइड, ठीक है ना, कौन बनाएगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, और इसको मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि जो इंटरस्टीशियल हाइड्राइड्स होते हैं उनको क्या बोल कैसे बोलते हैं या कैसे बनते हैं। ये लिया हमने डी ब्लॉक का मेटल क्रिस्टल, इस डी ब्लॉक के जो मेटल है ये कोई भी मेटल ले सकते हैं, सेम टाइप का क्रोमियम मैग्नीज जो भी मर्जी आए, सब एक जैसे मेटल्स होने चाहिए। ये जो मेटल्स हैं इन मेटल के बीच में जो आप ये खाली जगह देख रहे हैं, एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं, इस एम्प्टी स्पेस को कहा जाता है इंटरस्टीशियल स्पेस। इस इंटरस्टीशियल स्पेस में स्मॉल साइज के एटम लाइक कार्बन या हाइड्रोजन आकर के ट्रैप हो जाते हैं, ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टीशियल कंपाउंड कहा जाता है। कार्बन आ जाएगा तो बोल देंगे इंटरस्टीशियल कार्बाइड, और हाइड्रोजन आ गया तो बोल देंगे इंटरस्टीशियल हाइड्राइड। अब हम हाइड्रोजन की हाइड्राइड बात कर रहे हैं, तो यहाँ कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ये बन गया इंटरस्टीशियल हाइड्राइड। अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि ये मैंने लिया है एक प्योर डी ब्लॉक का मेटल, मतलब हाइड्राइड नहीं बनाया है, इसके बीच में जो खाली जगह वो खाली जगह अभी भी बनी हुई है, इसको मैंने सेकंड ले लिया, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया। अब मैं आपसे यहाँ तीन क्वेश्चन पूछूंगा, वो ये तीन क्वेश्चन वो होंगे जिसको मैं 30 बार पूछ चुका हूँ, 30 टाइम्स पूछ चुका हूँ, तीन क्वेश्चन वापस से पूछूंगा। अच्छा थर्ड टाइम में, चलिए कोई बात नहीं, बताना जरा इस फर्स्ट और सेकंड में से किसकी हार्डनेस ज्यादा होगी, मैं तो बार बार ही पूछूंगा निष्ठा जी, बार बार मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं पहले बोल, इन दोनों में से हार्डनेस किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की, क्योंकि उसकी क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैकिंग है, उसमें खाली जगह नहीं है। इन दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, फर्स्ट वाले का, जो क्लोजली पैक्ड है, जो हार्ड है, उसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। इन दोनों में से कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, सब समझदार हो गए, तो दोनों की सेम है, यही क्वेश्चन था। और अगर आपने बहुत ध्यान से डी ब्लॉक चैप्टर की एक्सरसाइज की होना तो उसमें भी क्वेश्चन था ही बना डी ब्लॉक वाली में, कि इंटरस्टीशियल कंपाउंड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए थे, इन दोनों की कंडक्टिविटी सेम होती है। चलिए तो ये होता है इंटरस्टीशियल या मेटलिक हाइड्राइड। उसके बाद आता है कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाएगा, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाए, कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाएगा, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके जो हाइड्राइड्स हैं इनको बोला जाता है कोवेलेंट हाइड्राइड, और ये कोवेलेंट हाइड्राइड फर्दर थ्री टाइप के हैं। इन कोवेलेंट हाइड्राइड के फिर से कुछ टाइप है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, देखो जरा फर्स्ट में लिखा हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हाइड्राइड, फर्स्ट टाइप क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का मीनिंग होता है जिसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है, इंटरस्टीशियल हाइड्राइड, सॉरी क्या था ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का मीनिंग है जिसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है। एग्जांपल कौन बनाएगा ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 13 यानी कि बोरॉन फैमिली के हाइड्राइड, फॉर एग्जांपल BH3, ढंग से समझना। दूसरा टाइप होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, दूसरा टाइप क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड का मीनिंग होता है ऐसे हाइड्राइड जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, कौन बनाएगा, ग्रुप 14 यानी कि कार्बन फैमिली के हाइड्राइड। तीसरा है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कौन बनाएगा,
ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का मीनिंग होता है ऑक्टेट कंप्लीट है और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी है, ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट भी हो। जैसे कि मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के एक एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है। हाइड्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, 3 और आगे, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया लेकिन फिर भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो ऐसे हाइड्राइड को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो वापस से सुनना जरा, हाइड्राइड्स क्या है। हाइड्राइड्स वाला हाइड्रोजन के कंपाउंड 3 टाइप है। पहला है आयनिक हाइड्राइड, कौन बनाएगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट। दूसरा है मेटलिक हाइड्राइड या इंटरस्टीशियल हाइड्राइड, कौन बनाएगा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तीसरा है कोवेलेंट हाइड्राइड, कौन बनाएगा, पी ब्लॉक के एलिमेंट। ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड है ये फिर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कौन बनाएगा, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। सेकंड इसका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, कौन बनाएगा, कार्बन फैमिली के हाइड्राइड। कार्बन जैसे कि CH4, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, चारों बॉन्डिंग में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं, ऑक्टेट भी कंप्लीट और कोई लोन पेयर भी ना बचे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड वो होते हैं जिनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन उनके पास लोन पेयर भी हो, तो कौन बनाएगा, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर और हैलोजन फैमिली के मेंबर, यानी कि ग्रुप 15, 16 एंड 17। ये तो हुआ आपका हाइड्राइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर। वाटर के आप जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, इसकी स्ट्रक्चर आप जानते हैं, हाइब्रिडेशन आप जानते हैं। हमको जो पढ़ना है इसके अंदर वो है इसका सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, या सीधा सीधा बोल दो हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड्स हमको पढ़ने। सॉफ्ट वाटर किसको कहा जा रहा है, जो साबुन के साथ झाग बना देगा वो सॉफ्ट वाटर होगा और जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा वो हार्ड वाटर होगा। तो वाटर 2 टाइप का, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। जो साबुन के साथ झाग बनाए वो क्या होगा, सॉफ्ट वाटर, और जो साबुन के साथ झाग नहीं बना रहा है, डू नॉट प्रोड्यूस लेदर फेयर सॉफ्ट सॉल्यूशन, साबुन के साथ जो झाग ना बनाए वो है हार्ड वाटर। अब वाटर हार्ड क्यों हो जाता है, उसमें हार्डनेस क्यों आ जाती है, इसलिए आ जाती है कि उसमें कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से सॉल्ट है, ये याद रखना है कि कौन कौन से सॉल्ट है जिसकी वजह से हार्डनेस होती है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट एंड क्लोराइड्स, यानी कि बाइकार्बोनेट हो गया HCO3- बाइकार्बोनेट क्लोराइड और एक हो गया सल्फेट SO4-2। ये अगर सॉल्ट प्रेजेंट है कौन से मेटल के, ध्यान रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम के, हम बोलेंगे कि वो हार्ड वाटर है। अब हार्डनेस भी 2 टाइप की होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस जो है उसका रीजन है बाइकार्बोनेट सॉल्ट। क्या रीजन है, ध्यान रखना इसका, बाइकार्बोनेट सॉल्ट जो है वो रीजन है टेम्पररी हार्डनेस का। परमानेंट हार्डनेस का रीजन क्या है, सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस, और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉल्ट प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस। तो ये 2 तरह की हार्डनेस है। अब हमको पढ़ना है इनको हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड। एक बात याद रखना कि हार्डनेस को रिमूव कैसे किया जा रहा है, सभी में एक ही काम किया जा रहा है, सभी जो भी मेथड हम पढ़ने वाले हैं, चाहे वो टेम्पररी हार्डनेस का हो चाहे वो परमानेंट हार्डनेस का हो। जिस सॉल्ट की वजह से हार्डनेस होती है उस सॉल्ट को किसी ऐसे सॉल्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं जिसकी वजह से हार्डनेस नहीं है, यानी कि हम सॉल्ट ही चेंज कर देते हैं, मतलब कुछ रिएक्शन करवाते हैं कि सॉल्ट बदल जाए, जिसकी वजह से हार्डनेस है उसको किसी दूसरे सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा या सॉल्युबल भी हो सकता है लेकिन हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस कैसे बायफर्केट किया गया है, कैसे इनको कैटेगराइज किया गया है, कैसे इनमें डिफरेंस है। टेम्पररी हार्डनेस का मीनिंग है ऐसी हार्डनेस जिसको बॉइल करके रिमूव कर दिया जाए वो है टेम्पररी हार्डनेस, और ऐसी हार्डनेस जिसको बॉइल करने से हार्डनेस रिमूव नहीं हो पा रही है वो है परमानेंट हार्डनेस।
ठीक है ना। तो परमानेंट का मतलब जिसको बॉइल करके रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव तो होगी। चलिए अब हम देखते हैं इसको हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड। पहला है टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के, दो मेथड हम पढ़ेंगे, बॉइलिंग और दूसरा क्लार्क मेथड। कोई प्रोसेस आपको नहीं याद रखना है, आपको प्रोसेस में रिएक्शन में नहीं जाना है, सिंपल सा याद रखें कि अब वॉटर को बॉइल करके हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। दूसरा मेथड है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड क्या है, एडिशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस। आप क्या मुझे CaOH होल ट्वाइस का कॉमन नेम बता सकते हैं, कोई किसी को इसका कॉमन नेम याद हो CaOH होल ट्वाइस, तो क्योंकि कई बार वो कॉमन नेम यहाँ पर लिखा आपको मिल सकता है और ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछ लिया गया। इसी को कहा जाता है स्लैग लाइन। तो स्लैग लाइन मिला करके हम वाटर की हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं, वाटर को बॉइल करके हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ये इतना सा याद रखना है, रिएक्शन वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड। कौन सा, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं चार मेथड। उसमें पहला है वॉशिंग सोडा, फ्रॉम वॉशिंग सोडा या बाय वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मिला करके भी हार्डनेस को आप रिमूव कर सकते हैं। अब देखना जरा, इस वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। अब जरा एक रिएक्शन पर ध्यान देना, वैसे रिएक्शन बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बड़ी सिंपल सी है। मैंने लिया हार्ड वाटर जिसमें परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है। कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता था, कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है और मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है। हम एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि कैल्शियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन देखना। आपने रिएक्शन करा दी, वॉशिंग सोडा उसमें डाल दिया। अब आप देख रहे होंगे कि दो सॉल्ट है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको याद ही ना हो। और इसको मैंने कई बार मैंने ऐसी रिएक्शन आपके बताया, आपको बोला है कि जब दो सॉल्ट आपस में रिएक्ट करें तो आप क्या करें, उनका डबल डिस्प्लेसमेंट कर दें। तो रिएक्शन याद रखना भी बड़ी सिंपल सी चीज है, एक बार देखेंगे तो सारी रिएक्शन याद हो जाएगी। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है। देखो जरा हुआ क्या कि जैसे कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड आपस में, सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया, एक बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, एक बनेगा NaCl। अब मुझे एक बात बताना, क्या कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हार्डनेस होती है क्या वाटर में? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हार्डनेस नहीं होती, सोडियम क्लोराइड की वजह से भी हार्डनेस नहीं होती। तो जिस सॉल्ट की वजह से हार्डनेस थी वाटर में, जिस सॉल्ट की वजह से हार्डनेस थी वाटर में, हमने उसको किसी दूसरे सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया है जिसकी वजह से हार्डनेस नहीं, बस यही आपको करना था। तो रिएक्शन तो कोई बहुत बात बड़ी बात नहीं है। एक बात और सुनना, NaCl जो है वाटर में सोल्युबल है, हमने NaCl तो बना दिया लेकिन वो वाटर में सोल्युबल है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसोल्युबल है। तो जो इनसोल्युबल है उसको तो हम प्रेसिपिटेट बना के फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, लेकिन सोल्युबल जो है वो तो रहेगा ना। तो ध्यान रखना कि हमने हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर तो बना दिया लेकिन उसको ड्रिंकिंग वाटर नहीं बनाया। कैल्शियम क्लोराइड को आपने, कैल्शियम क्लोराइड हटा तो दिया लेकिन कुछ और सॉल्ट बना दिए, लेकिन उस जो आप पानी में नमक डाल दिया, नमक मिला हुआ है, इसे कैसे पिया जा सकता है? तो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है ये, हम क्या कर रहे हैं, हम हार्ड वाटर को ड्रिंकिंग वाटर नहीं बना रहे, हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना रहे। अभी भी उसमें कुछ इंप्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है, हाँ, वॉशिंग पर्पस के लिए इसमें यूज किया जाएगा, सेम उसी रिएक्शन है। उसके बाद कैल्गोन मेथड नेक्स्ट। अब कैल्गोन एक वर्ड आया, तो आपको बस ये ध्यान रखना कि कैल्गोन होता क्या है। कैल्गोन होता है हेक्सामेटाफॉस्फेट कैल्गोन, इसी को सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को कहा जाता है कैल्गोन। कैल्गोन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है Na6PaSiO18। ये कैल्गोन होता है और इसी कैल्गोन को एक और डिजाइन में लिखा जाता है, ये वाली भी है Na2, फिर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में Na2Na4PO3O6। अब आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ये सब रिएक्शन इतनी सारी, और अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो सिंपल सी भी है, कुछ नहीं करा, इस कैल्शियम को हटा करके हमने इस कैल्शियम की को लेके सोडियम की जगह सोडियम को हटा दिया, बस इतना सा काम किया, बस सी चला जाएगा, सोडियम को वहां से हटा देगा, कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये कैल्शियम सल्फेट तो निकल गया, अब कैल्शियम सल्फेट पता है किसमें कन्वर्ट हो गया, Na2SO4 में कन्वर्ट हो गया, सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, फिर सोडियम निकल के यहाँ आ गया, कैल्शियम यहाँ पहुंच गया, बस इतना सा काम हो रहा है।
तो बस आपको ध्यान रखना कि कैल्गोन का फॉर्मूला क्या होता है और कैल्गोन को भी वाटर को रिमूव करने सॉरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट परम्यूटेड प्रोसेस। अब परम्यूटेड भी एक कंपाउंड है और ये होता है जियोलाइट। सो इसको जियोलाइट भी कहा जाता है क्योंकि एक 3D सिलिकेट है। ये मैं पी ब्लॉक में बता चुका था। परम्यूटेड इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट Na2Al2SiO8.XH2। इसको कहा जाता है सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट को Na2Z से भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो Na2Z और कैल्शियम क्लोराइड रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएंगे। इसको ये तो बना लेगा PPT, लेकिन ये वाटर में सोल्युबल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, होने दो। हमें तो सिर्फ हार्ड वाटर को सरफेस हार्ड वाटर को क्या सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा, वहां भी पढ़ा होगा। एक और मेथड है इसका, वो लास्ट मेथड है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। आयन एक्सचेंज रेजिन क्या है? हाँ, जेड मतलब जियोलाइट से है, Na2Z मतलब सोडियम जियोलाइट। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, इसमें हम दो कंपाउंड लेते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, हमने चाहे वॉशिंग सोडा वाला वॉशिंग सोडा वाला मेथड यूज किया हो तो हमने एक ही कंपाउंड यूज किया Na2CO3। हमने कैल्गोन वाला प्रोसेस पढ़ा तो इसमें भी एक ही कंपाउंड यूज किया कैल्गोन। फिर हमने पढ़ा परम्यूटेड तो इसमें भी एक ही कंपाउंड यूज किया गया सोडियम जियोलाइट। लेकिन ये जो मेथड है इसमें हम दो कंपाउंड यूज करेंगे, एक कंपाउंड केटाइन को एक्सचेंज करेगा और एक कंपाउंड एनायन को एक्सचेंज करेगा, ठीक है ना। ये दो कंपाउंड हम लेंगे। इसको समझना क्या है, दो इसको पहले मैं एक डायग्राम से समझा देता हूं। इसमें ऐसे तरह से दो चेंबर लिए जाते हैं, क्या लेते हैं, दो चेंबर। एक चेंबर में होता है, एक चेंबर को बोला जाता है केटाइन एक्सचेंजर। इसलिए बोला जाता है कि इसमें केटाइन एक्सचेंज हो जाएगा। किसका केटाइन? इंप्योरिटी का, या जिसकी वजह से हार्डनेस है। और मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि कैल्शियम क्लोराइड मिला हुआ पानी आपको दिया गया है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड मिक्स है, यानी कि हार्ड वाटर है, ठीक है ना। और इसका जो केटाइन है ये हम यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। एक हम इसमें कंपाउंड लेंगे, अभी बताता हूं। एक होता है एनायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर। यहां पर क्या होगा, एनायन एक्सचेंज हो जाएगा। एनायन यानी कि क्लोराइड यहां पर जो प्रेजेंट है। चलिए अब देखना जरा, यहां से क्या करते हैं, हम हार्ड वाटर को सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई किया हमने? हार्ड वाटर सप्लाई किया। अब जो हार्ड वाटर है उसमें प्रेजेंट है कैल्शियम क्लोराइड। जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड वाला पानी यहां आया, यहां पर एक कंपाउंड इसको मिल गया RCOOH। क्या मिल गया? RCOOH। इसमें मिला दिया आपने कैल्शियम क्लोराइड वाला पानी, इन दोनों के केटाइन आपस में एक्सचेंज हो गए। अगर ये केटाइन एक्सचेंज हो गए तो कंपाउंड बन गया RCOO2CA, वो कैल्शियम पर +2 चार्ज था, और ये बन गया H और CA, HCl। यानी कि अब जो हमको यहां से वाटर मिलेगा, ये यहां से जो वाटर जाएगा उसमें ये वाला कंपाउंड हम यहां हटा देंगे। यहां से ये कंपाउंड हटा लिया जाता है। यहां से क्या निकालिया हमने? RCOO2C, यहां से निकाला। लेकिन यहां से जो वाटर वापस गया है, यहां से जो वाटर जा रहा है उसके अंदर H और Cl प्रेजेंट, H + Cl में, ये वाटर में ही सोल्यूबल होता है, तो ध्यान रखना। हमने क्या किया, हाँ ऐसे भी हो गया वाटर, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, केटाइन एक्सचेंजर में एक कंपाउंड पहले से ही रखा हुआ था, वो ये कंपाउंड था, इसी को बोलते हैं केटाइन एक्सचेंज रेजिन। केटाइन एक्सचेंजर में इसने क्या किया, इसके केटाइन को एक्सचेंज कर दिया, हाइड्रोजन उसके साथ जोड़ दिया और उसका कैल्शियम लेकर के ये कंपाउंड बना के यहां से निकल गया। अब इसको निकाल लेते हैं। अब ये जो यहां से जो वाटर गया है, इसमें जो वाटर प्रेजेंट है उस वाटर में HCl है। अब ये HCl वाला पानी आ गया आपका यहां पर, और जैसे HCl वाला पानी यहां आएगा, यहां पहले से कंपाउंड प्रेजेंट है, वो है RnH3OH। यहाँ प्रेजेंट था RnH3OH। ये जो RnH3OH है इसमें आ गया HCl वाला पानी, और यहाँ एनायन एक्सचेंज हो गए। एनायन मतलब ये OH और ये Cl एक्सचेंज हो गए। ये यहाँ पहुंच गया, Cl यहाँ आ गया। एक कंपाउंड तो बन गया RnH3OH और दूसरा कंपाउंड बन गया H2O। यानी कि अब हमको यहाँ से जो वाटर मिलने वाला है, यहाँ से जो वाटर हमको मिलेगा उस वाटर में ना तो कैल्शियम होगा क्योंकि कैल्शियम यहाँ निकल गया, और ना ही यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर कोई
अब जो सीएल था वो यहां निकाल दिया, कैल्शियम को हमने यही हटा लिया, यानी कि अब जो हमको मिल रहा है सिर्फ उसके अंदर H2O है, ना तो कैल्शियम है और ना क्लोरीन, क्लोरीन चला गया आर एन एस थ्री जो लिया था उसके साथ में, और आर सी ओ एच जो चला गया केटायन, ठीक है ना। यानी कि इस प्रोसेस से मिलने वाला जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर के साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर भी है, क्योंकि इसमें ना तो कैल्शियम है और ना इसमें क्लोराइड है। यानी कि हमने दो कंपाउंड लिए हैं, बस सिंपल सी बात है, एक कंपाउंड ने केटायन को हटाया, एक कंपाउंड ने एनायन को हटाया, एक कंपाउंड ने कैल्शियम को हटाया, एक कंपाउंड ने क्लोरीन को हटाया, तो कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। इसी को ये जो मैंने रिएक्शन इधर थोड़ा रफली लिखा था वही रिएक्शन यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखी हुई है कि कैटायन एक्सचेंजर में क्या हुआ है और एनायन एक्सचेंजर में क्या हुआ है। और वो जो डायग्राम मैंने बहुत बेकार सा बनाया था वो यहाँ है, RnH3Cl कहा गया उसको भी निकाल दिया जाता है, बस हो गया काम। वही डायग्राम थोड़ा अच्छा तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये था आपका वॉटर की हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड, ठीक है। अब आता है हेवी वाटर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेवी वाटर। हेवी वाटर जो है जिसको आप बोलते हैं D2O, इसको बनाया कैसे जाता है, कैसे बनाया जाता है, जरा देखते हैं। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है नॉर्मल वाटर का, H2O का, इम्प्योर H2O। जब सुनना जरा, D2O जो है और जो H2O है उसमें सिर्फ डिफरेंस H और D का ही, H भी हाइड्रोजन है और D भी हाइड्रोजन ही, H भी हाइड्रोजन ही है और D भी हाइड्रोजन है, सिर्फ D हाइड्रोजन का कोई दूसरा आइसोटॉप है, जिसको हम ड्यूटेरियम नाम दे देते हैं, ड्यूटेरियम नाम दे देते हैं, आइसोटॉप तो चेंज हुआ है। अब सुनना जरा एक बात, कि जब जो नॉर्मल वाटर होता है ना अपना, जो रिवर वाटर बोलते हैं, इम्प्योर वाटर बोलते हैं इसको, हम आरओ और ये वाला पानी की बात नहीं कर रहे, बहुत फिल्टर वाले की बात नहीं कर रहे, एक नॉर्मल वाटर की बात कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल वाटर होता है ना उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में तो H2 होता है, लेकिन कुछ स्मॉल अमाउंट में D2O भी होता है। जो नॉर्मल वाटर होता है जिसको आप रिवर वाटर बोलते हैं या जो भी वाटर आपके, एक नॉर्मल वाटर की बात करें, तो उस वाटर में बहुत ज्यादा तो कौन है H2O, लेकिन थोड़े बहुत अमाउंट में कौन है D2O भी है। अब सुनना जरा, हम क्या करेंगे, हम D2O का ऐसा निकाल लेंगे, हम उस वाटर का करा देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और आपको पता है जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रोड बनेंगे, तो ये आयनाइज होकर के क्या बनाएगा, H+ और OH- बनाएगा, भाई H2 आयनाइज होकर क्या बनाएगा, H+ और OH-। बताओ जरा, उसमें D2O भी तो होगा ना, और D2O होगा तो वो भी आयनाइज होगा, तो बता सकते हो वो क्या क्या बना रहा होगा D2O, D+ और OD-, D+ और OD-, जैसे H+ OH- बना, ऐसे उसने भी बनाया होगा। आप बता सकते हैं H और D में से हल्का लाइट कौन है, H और D में से हल्का कौन है, लाइट कौन है, हाइड्रोजन। और जो लाइटर होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, जो हल्का है उसकी मोबिलिटी, इलेक्ट्रोड तक जाने की जो उसकी स्पीड है वो ज्यादा होगी। अब H और D में स्पीड वो लग रही है रेस कि कौन पहले जाएगा, मतलब तो H और D में से पहले कौन जाएगा, H पहले पहुंच जाएगा और H पहुंचते बन जाएगा H2 और D रह जाएगा सॉल्यूशन में, D का रह जाएगा सॉल्यूशन में। इस तरह से सॉल्यूशन में D को बचा लिया, H को कहां भेज दिया, इलेक्ट्रोड पर, फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, फिर से क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलाइज, फिर से जो H था उसको लेके H2 बना करके इलेक्ट्रोड पर और हटा दिया, फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, फिर बचे हुए H में लिए गए, तो सॉल्यूशन में क्या बचा रह गया, सॉल्यूशन में क्या रह गया, हाइड्रोजन भी बन रही है, वाह सलोजी क्या मतलब बात कही है सर, हाइड्रोजन भी बन रही है और उधर से D2O बन रहा है, मतलब तो मजा ही मजा है। कितनी बार करवाते हैं, रिपीटेड, जितनी बार मर्जी उतनी बार करा लो। वैसे कई जगह इसका एनसीईआरटी में या कहीं मैंने पढ़ा है कि 6 टाइम, मतलब लिखा गया था कि 6 टाइम करवाते हैं। अरे एक अगर इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक कैथोड होता है, कैनोड होता है, अगर H+ जा रहा है के तोड़ पर तो H- एनोड को भी जा रहा होगा ना, मैंने नहीं बोला था,
चलिए उसके बाद आ जाइए, ये सब लिखा है यहाँ पर, हाँ ये लिखा सिक्स टाइम, पर वो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है सिक्स टाइम आ जाए। चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, हम डी टू की बात कर रहे हैं, डी टू बनाया तो डी टू की प्रॉपर्टी, डी टू की जो फिजिकल कॉन्स्टेंट है नॉर्मली वो हायर रहते हैं, ज्यादा रहते हैं नॉर्मल वाटर से, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इस तरह से, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा नहीं होता है बॉइलिंग पॉइंट डी टू का, वाटर का होता है 100 और इसका होता है 101 बॉइलिंग पॉइंट, तो ज्यादा ही है फिजिकल कॉन्स्टेंट, थोड़े से ज्यादा ही बस ध्यान रखें। दूसरा केमिकल रिएक्टिविटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केमिकल जो उसकी रिएक्शन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक कंपाउंड लेता हूं मैं, जैसे 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 ये Mg3N2 इसका एग्जांपल लेता हूं, Mg3N2 ये रिएक्शन कराता हूं मैं वाटर के साथ, ये मैं एक बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है और कई बार मैंने इस रिएक्शन को लिखा भी होगा, मेटल नाइट्राइड की रिएक्शन वाटर के साथ, मैं वापस इनको तो भूल जाए जो लिखा है, मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूं उसको सुनना जरा, मैंने लिया Mg3N2 रिएक्शन है वाटर के साथ, बताओ जरा मेटल नाइट्राइड की रिएक्शन वाटर के साथ क्या बनेगा, 50 बार लिखा जिस मेटल का नाइट्राइड है उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, तो MgOH twice बनेगा और साथ में बनता है NH3 अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ठीक है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड में अमोनिया बन जाएगा। अब क्या किया आपने, Mg3N2 लिया और रिएक्शन कराइए D2O से, तो कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सेम रिएक्शन होगी और थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी बस, कुछ नहीं करना आपको, जहां जहां आपने ऊपर वाली रिएक्शन में H लिखा है वहां वहां आप H की जगह D लिख दो, तो देखो एक तो बनेगा MgOD all twice, एक बनेगा NH3 Md3, बस कुछ नहीं करना, तो सेम रिएक्शन होती है बस थोड़ी स्लो, Mg3N2 तो लिखा हुआ है, अच्छा नहीं Mg3N2, ठीक है ना, चलिए तो ये रिएक्शन है, सेम रिएक्शन होती है। अब NH3 को बोलते हैं अमोनिया, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया, तो Nd3 को क्या बोलेंगे, ड्यूटेरो अमोनिया, एक जैसी चीज है, एक ही बात है, आइसोटोपी तो चेंज हुआ है ना, आइसोटोप का वाला एलिमेंट बदल तो नहीं गया ना, तो NH3 वाला अमोनिया, Nd3 ड्यूटेरो अमोनिया, तो कोई खास बात नहीं है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन परोक्साइड, नेक्स्ट कंपाउंड है H2O2, H2O2 को कैसे बनाया जाता है, एक रिएक्शन में पहले भी लिख चुका था, बेरियम परोक्साइड की रिएक्शन, उसके बाद आता है H2SO4 का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उससे भी H2O2 को ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। तो दो मेथड हो गया आपके पास, एक हो गया बेरियम परोक्साइड की रिएक्शन वाटर से या एसिड से कराने पर, दूसरा हो गया H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, खाली ऐसे ही याद रखना इनको। तो ये दो मेथड हो गए H2O2 को बनाने के। आपको पता है H2O2 को मैंने एक जगह एक ऑक्सी एसिड के हाइड्रोलाइसिस में बनाया, ये वो यही आ गया क्लियर आओ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ऑक्सी एसिड H2SO5 का हाइड्रोलाइसिस करा रहे H2O2 बन रहा है। Yes, याद आ रहा हो तो ओलियम से नहीं बना, परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड से बना था H2O, ओलियम के हाइड्रोलाइसिस से तो 2 mol H2O4 बने थे, तो एक बार जरा वो ऑक्सी एसिड का हाइड्रोलाइसिस देख लेना, पता चल जाएगा वहां बना चुका। इसके बाद आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, लिक्विड है, इम्प्योर अगर है, वैसे कलरलेस है लेकिन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो ब्लूश लेयर, तो ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, सिर्फ पढ़ने वाले पॉइंट है आपके। हाँ यस, विशेष जी ने बताया केरोस एसिड से बना था H2O, बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑर्डर जो कि हम पहले भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे पढ़ चुके थे, H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, फिर अभी ये तो बता दिया मैंने H2O D2 में से D2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और उससे भी ज्यादा H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा करता है H2O2 में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है, D2O को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है, D2O को नहीं लिख रहा मैं, डिकम्पोजिशन इसका होता रहता है, अगर इसके डिकम्पोजिशन को रोकना है तो इसको डार्क कलर की बॉटल्स में
रखा जाता है, कूल प्लेसेस पर रखा जाता है, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन होता रहता है, तो थोड़ा लाइट से ये दूर रहे, इसके लिए इसको डार्क कलर की बॉटल्स में रखा जाता है। इसका जो 30% सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसको पर हाइड्रोल कहा जाता है, जिसको एज एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ठीक है ना, इसको डाई में भी यूज किया जाता है, डाई में यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है। इस तरह के मतलब छोटी छोटी सी बातें इनके बारे में पता होनी चाहिए। अब इसकी अगर वो जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करो तो जरा देखना, H2O2 मान लो किसी रिएक्शन में H2O2 O2 में कन्वर्ट हुआ है, तो बताओ जरा ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा। ऐसा आप खुद भी देख सकते हैं ना, कैसे पता करेंगे जरा देखना, कैसे पता कर लिया कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। मैं बोल रहा हूं एक कोई रिएक्शन है जिसमें H2O2 O2 में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर से चेक कर लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर यहां -1 है, यहां पर 0 है, -1 से 0 में गया, मतलब खुद का क्या ऑक्सीडेशन एक्ट है रिड्यूसिंग एजेंट, बस ऐसे देखना होता है। हाँ, ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, H2O2 ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, वो पढ़ा चुका हूं पहले। इस तरह से रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग का पता कर लेंगे, और मान लीजिए वाटर में भी कन्वर्ट हो रहा और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा हो, दोनों में कन्वर्ट हो रहा, तो डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ है, तो कोई खास बात नहीं है। हम खुद ही पता कर सकते हैं ऑक्सीजन नंबर देख करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। हम यहाँ कुछ रिएक्शन लिखिए, याद कुछ नहीं करना है, याद करने की जरूरत नहीं है, लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कि कहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर कर रहा है और कहां ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर कर रहा है। आप तो खुद ये देख सकते हैं यहाँ ऑटो में कन्वर्ट हो रहा है, तो H2O ही है, ये तो खुद भी कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर देखकर कि किस में चेंज हुआ है। ठीक है ना, अब जैसे एक कई बार ऐसा होता है ना कि ओजोन है, आपको पता है ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसके सामने H2O2 किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनना ही पड़ेगा। जब सामने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2 को, तो रिड्यूसिंग एजेंट बनना ही पड़ेगा, तो उस तरह से ये खुद भी पता कर सकते हैं। एक ये स्ट्रक्चर है जिसको हम पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके थे, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है H2O2। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, डायपोल मोमेंट नॉट जीरो होता है, H2O2 का डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट नॉट जीरो मीन्स पोलर कंपाउंड, पॉलर कंपाउंड, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ आप जानते ही। हाइड्रोजन परोक्साइड के कुछ यूज है, अभी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसी में से यूज, जैसे एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, रॉकेट फ्यूल में यूज होता है, हेयर डाई में यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है, तो ये हो गया, ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड चैप्टर। ठीक ना, बिल्कुल फिनिश, एकदम फिनिश हो गया, और इसी के साथ हमारा जो है वो इनऑर्गेनिक का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट, ठीक है ना, अब अच्छे से पढ़ना, अच्छे से जो है वो सारे रिवीजन करना, ठीक है ना, और ई सॉल्यूशन ऐप पर अपने डाउट पूछते रहना, फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है बेटा, आज बस कंप्लीट करते हैं। आप जिस तरह से अभी इंटेलिजेंट बने हुए हैं ना, इसी तरह से इंटेलिजेंट बने रहना आगे भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब भी, ठीक है ना, जैसे जिस दिन जो पढ़ा दिया जाता है ना, आपको उसी दिन उसको रिवाइज कर लेना है, पहले दिन से ऐसा आपका बैकलॉग नहीं बना लेना है। इनऑर्गेनिक में जैसे कई बार से इतना सारा छोड़ दिया, इतना सारा पढ़ना है, ऐसे आगे वाले चैप्टर जो स्टार्ट होते हैं ना उसमें मत करना। अब जैसे कल से इनऑर्गेनिक, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, शायद कल से भी ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक को पहले दिन से ही बहुत अच्छे से उसका रिवीजन करते रहना, ठीक है ना, ताकि वो चीजें जब रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, उतना हमारा कमांड रहेगा हमारे सब्जेक्ट पर। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा किया करो, क्वेश्चन से डरा मत करो। चलिए आज तुम्हारे लिए इतना ही, बाकी फिर हम जो है अब जब भी कोई डाउट काउंटर लगता है, देखते हैं डाउट काउंटर कब लगेगा हमारा, होता है कि नहीं, और नहीं तो व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। थैंक्स भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपको पूरा ऐसा सिलेबस पढ़ा करके, पूरे इनऑर्गेनिक पढ़ा करके, बहुत अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। चलिए थैंक्स भाई, थैंक यू वेरी मच।
हाँ मैं भी मिस करूंगा, तुम भी मिस करोगे, सभी मिस करेंगे, लेकिन आगे चलता जाएगा, सिलेबस है, पढ़ना है, आगे नए टीचर आएंगे, नई चीज पढ़ोगे, बस आपको अपने टारगेट पर ध्यान रखना। ओके थैंक यू।